हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैम वाइल्ड रेस्क्यू। आज हम लोग एक बहुत ही खास जगह में हैं और मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खूबसूरत एक नदी बह रहा है वहाँ से। और ये नदी जो है मेरे प्रिय मित्र, ये मयूराक्षी रिवर के साथ जुड़ा हुआ है जो मसानजोर में है। और इस जगह में जो है बहुत सारा सॉफ्ट शेल टर्टल यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन बात ऐसा है कि पानी तो बहुत ही सूख गया है, ज़्यादा पानी यहाँ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी रीति से भी अगर ये सॉफ्ट शेल टर्टल मिल जाए तो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और दूसरी एक वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सॉफ्ट शेल टर्टल जो है ये इंडिया के 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से इसको जो है सुरक्षित किया गया है। तो मेरे प्रिय मित्रों, इसको पालना इलीगल है, इसको घर में रखना इलीगल है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ एक जानकारी को आपको देने के लिए मैं चाहता हूँ कि आज किसी रीति से आज इसको हम लोग पकड़े। तो आइए हम लोग जाके खोजें और देखिए अगर मिल जाए। और ऐसा बात है कि कभी कभी टर्टल्स लोग जो है वो लोग जब लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनके जाल में भी ये टर्टल फंस जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मछुआरे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, उसको दोबारा उस पानी में छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी कम हो गया है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि ये जो टर्टल है वे लोग उस पानी के अंदर जो है जो बालू है उस बालू के अंदर जाकर के छुप जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जाकर के देखें अगर हम लोग को ये मिल जाए। और एक बात मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा ज़मीन जो है ये पूरा जो है पानी से भर जाता है, लेकिन अभी पानी का कमी होने के कारण आप देख रही हैं पूरा सूख गया है यहाँ पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये टर्टल जो है कभी कभी इस पानी के अंदर में जाके छुप जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जगह नहीं मिलता है, क्योंकि पानी बहुत कम है, इसीलिए तो इस बालू के अंदर लोग जा कर के छुप जाते हैं। आइए हम लोग देखें। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ देखिए यहाँ पानी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगेगा कि कछुआ यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो लोग इतना तेज़ी से वो लोग पानी के अंदर वो लोग तैरता है और बालू के अंदर इतने खूबसूरत रीति से चल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कछुआ छुपा हुआ है। तो आइए हम लोग उसको देखें। और एक अच्छा तरीका है उसको ढूंढने के लिए, अगर आपके पास एक छड़ी है, एक लकड़ी है, तो उस लकड़ी को ले करके आप उस बालू के अंदर उसको डालिए इस रीति से, और अगर आपको महसूस होगा कि कोई हार्ड शेल है तो समझ लीजिए कि वो कछुआ है। तो आइए हम लोग उस छड़ी को हम लोग खोजें। ये देखिए मुझे एक छड़ी मिला है। और कभी कभी क्या होता है कि ये लोग जो है ना डर से भी बालू के अंदर लोग घुस जाते हैं, और जब धूप आ जाता है तो वे लोग उस पानी से बाहर निकल जाते हैं। तो आइए उसको हम लोग देखें। इसी रीति से आपको लकड़ी से आपको करना पड़ेगा, और जब आप करते रहेंगे, और बात ऐसा है कि पता भी नहीं चलेगा, आप उसके ऊपर चल रहे होंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कछुआ उस बालू के अंदर में है। तो इसलिए आपका जो है कुछ मेहनत लगेगा आपको खोजने में, लेकिन अल्टीमेटली आप उसको पा लेंगे। देखिए इस रीति से आप देख रहे हैं। आइए उसको हम लोग, ऐसे लग रहा है कि कुछ है यहाँ, तो बस आप धीरे से जो है एक मजबूत लकड़ी को ले करके आप बस कोशिश कीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा, कभी कभी वो लोग बहुत अंदर घुस जाते हैं, है ना, लेकिन आप बस मेहनत थोड़ा सा कीजिए। और कभी कभी पत्थर भी हो सकता है, देखिए। लेकिन यहाँ देखिए इंडियन सॉफ्ट शेल कछुआ, मेरे प्रिय मित्रों, भारतीय सॉफ्ट शेल कछुआ भारत में गंगा और महानदी जैसी नदियों में रहता है। इसके खोल की लंबाई 94 सेंटीमीटर 37 इंच तक हो सकती है। भारतीय कछुआ एक कमज़ोर प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। कछुए की लंबी गर्दन और लंबी नाक होती है, जिसका अर्थ है कि ये सांस लेने के लिए नाक के सिरे को पानी से आसानी से बाहर निकालने में सक्षम है। इन कछुओं को अक्सर ओडिशा के मंदिर के तालाबों में रखा जाता है, जहां इन्हें पवित्र माना जाता है। इसका शेल को देखिए, इसका शेल को देखिए कितना मजबूत है, है कि नहीं?
मेरे प्रिय मित्र, कभी भी आपका उंगली इसके मुंह के सामने कभी नहीं रखिए, क्योंकि उन लोग का दांत जो है बहुत ही तेज। देखिए मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ क्या होगा अगर आप रखेंगे। देखिए देखिए अभी तो काट नहीं रहा है, लेकिन मेरे प्रिय मित्रों इसका दांत बहुत तेज होता है। भारतीय सॉफ्ट शेल कछुआ खतरे में है, क्योंकि हर हफ्ते 30 से 40 टन कछुए का मांस बाजारों में बेचा जाता है। खूबसूरत से कुदरत ने बनाया है, और ये जो है बहुत ही फर्स्ट क्लास स्विमर है, बहुत ही अच्छा तैरता है ये। इस बात में बतलाना चाहता हूँ, मैं पानी से बाहर निकल जाऊँ पहले, कि ये जो है कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल है, ठीक है। उसका मतलब ये अपना खून को तापमान में रखने के लिए ये धूप जो है ये पानी से बाहर निकल जाते धूप को सेकने के लिए, और उसके बाद जब टेम्परेचर इनका नॉर्मल हो जाता है तो फिर वापस ये पानी में चल जाता है। और इसी रीति से दिन भर ये लोग इसको दोहराते रहते हैं। ये अंडा भी देती है, और ये खासतौर से कम 30-35 अंडा ये देती है। देखिए इसका गर्दन देखिए कितना खूबसूरत है, और उसका पैर देखिए, इज़ अ वेरी गुड स्विमर। और मैं खास तौर से ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं चाह रहा था बहुत दिन से कि मैं ये सॉफ्ट शेल टर्टल आप लोगों को दिखाऊं, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये हम लोग को ये मिला है। दोस्तों आइए इसको हम लोग वापस हम लोग इसको छोड़ दें। कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, और आने वाले दिनों में अगर कुदरत ने चाहा तो और भी कुछ रेस्क्यू हम लोग आपको दिखाएंगे, उसके बारे में जानकारी भी हम लोग देंगे। और अंटिल देन गॉड ब्लेस यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। जरूर से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।